बाय। हुआ अच्छा एग्जाम जाएगा, बोलो। वेरी गुड, लो बाय 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 अंकुश। सो वेलकम बैक टू माई चैनल फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। तो दोपहर के बज चुके थे 12 और मैं इंचू को खिला रही हूँ चावल और दाल और थोड़ी सी सब्जी, क्योंकि अब मैं इसे मील देना स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि आदत भी बनाना होगा। तो हर रोज़ इसकी नानी खिला देती है, बट आज नानी की इसकी तबीयत ही थोड़ी ख़राब हो गई, तो इसलिए मैं ही खिला रही हूँ। बच्चे कितना नाटक करते हैं खाने में, हर वो मदर को पता होगा जिनके भी छोटे बच्चे हैं। एक्चुअली ये इसीलिए रो रही है क्योंकि मैं ईशु को मैंने ईशु के पापा को दिखला दिया, तो जब से ये वीडियो कॉल पे अपने पापा को देखी है तब से रोए जा रही है। बेटियां सच में अपने पापा की परी होती है गाइस, मतलब थोड़ा सा वीडियो कॉल पे अपने पापा को देख ली तो बहुत मिस करने लगी ईशु अपने पापा को। बट इसके नानू ने इसे फिर लेके घुमाया इधर उधर, तब जाके मैडम शांत हुई। नानू को देने के बाद आज मैं आप लोगों से एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो की है रसगुल्ला की रेसिपी। यस, जिससे बनता है, किससे बनता है भाभी? छेना से। तो छेना को मसल रही है अच्छे से, इसको पीट रही है ना। आज अपना सारा गुस्सा इस पे निकाल दीजिए, आप जितना भी गुस्सा लगा हुआ है ना, एकदम मसल मसल के इसको इस पे निकालिए। ताकि तुम बीच में मेरे ब्लॉग के बीच में क्यों आते हो शुभम, एक बात बताओ तो, आज इसका तुम जवाब दो। मेरा ब्लॉग से तुम्हें क्या दुश्मनी है जो तुम्हें मेरे ब्लॉग को खराब करना होता है? देख लो, एक ब्लॉग के बीच में गया नहीं कि इस बार दूसरा चला, और तीसरी बच्ची कहाँ गई? तुम्हें अभी जाना है? इसने तो, इसने क्या किया है मैं दिखाती हूँ, देखो पूरे कपड़े को भिगो लिया है, देख लो। खैर अभी गर्मी का टाइम है इसलिए मैं थोड़ी देर में इसे इसका ड्रेस चेंज करूंगी अभी। और एक चीज, ये देख लो कितने प्यारे फूल खिले हैं इस बार, मतलब ये वाले मैं अभी तक आके देखी नहीं थी यहाँ पे, तो मेरा जाने का टाइम हो गया तो उसके बीच में खैर ये फूल भी खिल गया। सबसे ज्यादा प्यारा मुझे यही लगा। सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है बच्चे को देखना, और अभी इतनी बदमाश हो गई है, इतनी ये बदमाश लड़की है। इतना मुश्किल से मैंने इसका सूज सुखाया था और फिर से सब चीज गीला कर ली। ये लड़की खुद का तो अपना प्रॉब्लम तो करती है, मुझे भी डांट सुनवाती है। ये कौन सा डिब्बा तुम मुंह में ले रही हो, हटाओ। बेबी के साथ पढ़ाई भी करती हूँ, बेबी को के साथ ब्लॉगिंग भी करती हूँ, तो आप लोग समझ सकते हो कि मेरे लिए कितना डिफिकल्ट होगा। सो तुम क्या कर रहे हो? सिंग बना रहे हैं। सिंग बना के क्या करना है? भैंस बनाना है। भैंस थोड़ी ना, मुझे तुम मुझे सिंग बना के भैंस घोषित कर रहे हो। मैं बुफेलो बनाना है। और तुम की तो खुद एक बुफेलो हो। मैं तो बुफेलो। दुनिया का पहला इंसान जो इतनी बदमाश हो गई है आजकल ना, कि एक घंटे के अंदर मुझे इसके दो ड्रेस चेंज करने पड़े हैं। सेकंड ड्रेस है, इसे गीला नहीं करोगी ठीक है? देख फिर इसे गीला करने के काम में जुट गई है ये लड़की। बात में बता देती हूँ गाइस, ये इतने सारे नाटक इसीलिए करता है ताकि ये मेरे वीडियो में ब्लॉग में आ सके। मैं आने का मन करता है तो साफ साफ बोल दिया करो ना कि लवली दी मेरा ब्लॉग शूट करो, ऐसे से नाटक क्यों करना होता है तुमको? कल हो क्या सुबह तुम? वाह वाह। सो गाइस देख लीजिए, ये भी ब्लॉग के लिए ही कर रहा है। अभी शुभम का एक हाथ टूटा हुआ था ना, अभी क्या हुआ शुभम का एक हाथ? अभी तुम कैसे उठा लिया सिलेंडर को? मतलब ये साबित हो जाता है भाभी ताकि ये ढोंगी है। पहले से सबको बता रहा था कि मेरा एक हाथ टूट गया, मेरा हाथ एक फूल गया है पूरा, और अभी तुरंत कैमरे के सामने इसने सिलेंडर को उठा के दिखाया है। तुम क्या कर रही हो सब? तक इधर बच्चों में बिजी रही भाभी, छेना को मसल भी ली, उसे रेडी भी कर ली। मैं दिखाती हूँ कि छेना को मसलने के बाद का प्रोसेस क्या होता है। आता है उसे मसल के सॉफ्ट कर लिया जाता है, और उसके बाद इसे छोटे छोटे गोले के रूप में दे दिया जाता है। भाभी कितने प्यार से बना रही हो, आपका गोला भी शर्मा जाएगा। Chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. प्यारे लग रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं जैसे ऐसे ही उठा के खा जाऊं मैं, लेकिन इंतजार थोड़ा करना होगा। लेकिन इसका जो अभी साइज है ये डबल हो जाएगा, है ना?
हाँ डबल हो जाता है मम्मी। मैदा मैदा तो नहीं, का सामान नहीं खाते हैं। यहाँ भाभी मम्मी का मजाक चल रहा है, दोनों सास बहू का मजाक मस्ती है, अपने ही लेवल का चलता रहता है। इन दोनों को किसी से मतलब नहीं है, खुद में ही मजाक चलने लगता है इन दोनों का। तो उसके बाद क्या था, मैं भी बैठ गई गोला बनाने में। बड़ा मज़ा लग रहा था भाभी को जब मैं उसे शेप देते हुए देख रही थी, तो मैं भी ठीक ठाक बना रही थी, बट गोल गोल जैसा बड़ा अच्छा लग रहा था। तो हमने मजाक मस्ती करते हुए सारे गोले बना लिए। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस मैं दिखाती हूँ। भाभी अभी इलायची कूट रही है क्योंकि देंगी वो चाशनी में। एक्चुअली बात हुआ कि भाभी एक पार्ट बना चुकी है रसगुल्ला, मैं चली गई थी छत पे गाइस, तो मैं जल्दी से आई जब मुझे याद आया। तो अभी भाभी दे रही है इलायची रसगुल्ले के रस में, और जैसे रस गाढ़ा बन जाएगा चाशनी, और उसमें डाल देगी भाभी वो जो गोला बना हुआ है रसगुल्ले का उसको, और फिर अच्छे से बॉयल होने देगी। और फिर क्या, जैसे ये बॉयल होकर डबल साइज में आ जाए तो आप निकाल लीजिए, ज़्यादा बहुत मेहनत नहीं है इसमें, बस हाँ रसगुल्ले को शेप देने में थोड़ा सा मेहनत है। तो यहाँ पे चाशनी गर्म हो चुकी थी, तो भाभी उसमें रसगुल्ले के गोल वाले शेप को उसमें लड्डू को भर रही थी। और ये देखिए फैमिली कितना प्यारा और खूबसूरत रसगुल्ला बनके रेडी हो गया है। खाने में कैसा है ये तो अभी टेस्ट नहीं किया मैंने, बट बहुत ही टेस्टी लग रहा था देखने में। और ये जैसे ही पक जाती है तो इसका साइज भी दो गुना बड़ा हो जाता है रसगुल्ले का। तो एक मैंने खा के देखा जो कि बहुत ज्यादा टेस्टी यम्मी था, एकदम मार्केट से भी अच्छा मुझे लग रहा था। बस उसके बाद जैसे ही ये बॉयल होके बड़े शेप में आ जाए तब इसे गैस इसका फ्लेम आप ऑफ कर दो, और उसके बाद गर्मा गर्म सर्व करके खाओ। और गर्म रसगुल्ले खाने का तो टेस्ट ही अलग है, मतलब गर्म रसगुल्ला आपको मार्केट में भी नहीं मिलता है, अगर बहुत अच्छा लक हुआ तब जाके आपको मिलेगा। सो घर में ऐसे ही टेस्टी रसगुल्ले बनाइए और खाइए। इसी खुशी में गर्म गर्म रसगुल्ला खाते हैं और उसका एंजॉयमेंट करते हैं। अब धीरे धीरे ईशु सबसे बहुत अटैच होने लगी है, मुझे डर भी लग रहा है कि वहाँ पे जाऊंगी तो कहीं ये वो रोने ना लगे। घर में कुछ बन नहीं पाता, ये बंदा पहले ही हाजिर हो जाता है आके। रसगुल्ला फाइनली थोड़ा सा ठंडा हो गया है, बहुत ठंडा नहीं करना है क्योंकि मुझे गर्म रसगुल्ले खाने में ज्यादा टेस्ट लगता है। तो चलिए जल्दी से इसका टेस्ट करते हैं। तो गर्मा गर्म रसगुल्ला बनके रेडी हो गया है, और साथ में है पोहा नाश्ते के लिए। तो जल्दी से इन दोनों को खा के ख़त्म करते हैं, और अब इसी के साथ को इस ब्लॉग को भी एंड करना है गाइस। तो एज़ यूजुअल पोहा तो हमेशा ही टेस्टी होता है, बट रसगुल्ले को टेस्ट करके ज़्यादा देखना है कि कैसा बना है। वैसे तो मैंने टेस्ट कर लिया था और खाने में बहुत टेस्टी था, यम्मी था, मतलब मार्केट से बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो आप लोग भी अपने घर में ज़रूर ट्राई करना, और इसी के साथ इस ब्लॉग को भी करते हैं एंड गाइस। बट जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।